सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या माया क्या है? भगवान भी भगवान, ये माया ही भगवान का स्वरूप है। और एक बात बताऊं मैं आपको, माया को और भगवान को बिल्कुल अलग मत समझ लेना, और बिल्कुल माया को भगवान की शक्ति से कम नहीं समझ लेना। जितना प्रभाव भगवान का है उतना ही प्रभाव माया का है, क्योंकि ये भगवान की ही तो माया है। तो भगवान की हर वस्तु का, हर चीज का, हर कृपा का, हर चीज उसका प्रभाव उतना ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं माया का नियम है कि जो है उसको छिपाती है और जो नहीं है उसको दिखाती है। ये तो माया है। पूतना जो थी वो दिखी क्या? नहीं। जो थी अगर वैसे भेष में आती तो लीला कैसे हो पाती? मायावी रूप ले लिया उसने। मायावी का मतलब जो है उसको छुपाओ, जो नहीं है उसको दिखाओ। हालांकि पूतना ने ऐसा किया था उस समय, आज लगभग सभी पूतना है। हर नर नारी लगभग मायावी ही जीवन तो जी रहा है। इसके संग ऐसा, उसके संग वैसा। अच्छा, दूसरी दृष्टि में देखो, क्या ये माया नहीं है? एक शरीर, एक ही शरीर कितने सारे व्यवहार करता है। घर में पिता भी है और घर में ही बेटा है। घर में ही तीन स्त्री हैं, एक बेटी है, एक पत्नी है, एक मां है, लेकिन व्यवहार सबसे अलग अलग है। और यही कार्यक्रम हम बाहर कर रहे हैं। कोई आपके यहां मेहमान आया, किसी के लिए ड्राई फ्रूट की प्लेट लग गई, कोई आया उस बेचारे को चाय तक नहीं पूछी। स्वरूप व्यक्ति के अनुसार हम बदल लेते हैं। किसी को चाय मिली, किसी को चाय के साथ बिस्किट की प्लेट मिल गई। ये हमारे ही तो रंग है, तो कहीं ना कहीं माया का प्रभाव तो है साहब। ये जीवन है और इस जीवन को माया से कोई नहीं बचा सकता। माया से अगर कोई बचा सकता है तो मायापति बचा सकता है। मायापति, जिनकी माया वही बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्चावचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रवेष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं कौन हूं, दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं माया क्या है, और तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा क्या है। वी, हम, हमारा निर्माण कैसे होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अब कैसे? हम सब जानते हैं हमारे अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, और ठाकुर जी यहां भी बैठे हैं, ठाकुर जी सृष्टि भी चला रहे हैं, ठाकुर जी वहां बंसी भी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वहां तीर भी चला रहे हैं। भगवान शिव जब उमा के साथ, सती के साथ, कुंभज अगस्त ऋषि के पास पहुंच के जब कथा सुन के बाहर निकले, जैसे ही कथा से बाहर निकले, किसकी कथा सुनने गए थे? राम जी की। किसने सुनाई? कुंभज ऋषि ने। और जब पूरी कथा सुन ली, सुन के जब बाहर निकल रहे हैं, तो क्या देखा उन्होंने? कि राम और लक्ष्मण रोते हुए जा रहे हैं और सीता जी को ढूंढ रहे हैं। देखा ना, जिन राम की कथा सुनकर निकले वही राम फिर लीला कर रहे हैं। यह है भगवान की माया। और उनको देखकर सती नहीं समझ पा रहे कि ये रो क्यों रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा है, ये समझना है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब में हूं, सब मुझ में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब में है। पांच भौतिक शरीर से हमारा शरीर बना है, लेकिन भगवान इसमें भी है और इससे अलग भी है। अब अलग कैसे है? पांच भौतिक शरीर में ही, मतलब पंचभूत भी भगवान से ही निर्मित है,
और भगवान वही अग्नि देवता से कह रहे हैं, आप आओ जरा सीता जी को 2 साल के लिए आपके पास छोड़ना है। बोला ना भगवान ने, आप में सुरक्षित रहेंगी सीता जी, बुलाकर अग्नि को ही तो कह रहे हैं। और वही अग्नि देवता उस वेदी से निकल रहे हैं और चुरु का प्रसाद दशरथ जी को और वशिष्ठ जी को दे रहे हैं, और उन्हीं अग्नि देवता के प्रसाद से राम जी प्रकट हो रहे हैं। देखो माया भगवान की, इसी को तो माया कहते हैं। यही जीवात्मा तुम्हारा जो शरीर बना है, जिन पंच महाभूत से बना है, वो पंच महाभूत इस शरीर में भी है और ये भी है। जल बाहर भी है, अग्नि बाहर भी है, वायु बाहर भी है, पृथ्वी यहां भी है, आकाश ऊपर दिखाई देता है, देखता है कि नहीं देता है, वो चीजें समझने वाली है। लेकिन चौथे श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या है। भगवान कहते हैं, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय त्वयि रेखाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले श्लोक में भगवान ने बताया मैं कौन हूं, दूसरे में भगवान बता रहे हैं माया क्या है, तीसरे में जीवात्मा क्या है, और चौथे में सॉल्यूशन दे रहे हैं, माया से बचने का उपाय बताता हूं। इसी को तो परमात्मा कहते हैं। एक हाथ से कान पकड़ता है, दूसरे हाथ से ऐसे लोरी देता है, बेटा ठीक हो तुम, भगवान है। इसी को तो उसकी माया कहते हैं। भगवान कह रहे हैं माया से बचने का एक ही उपाय है, जो भी कार्य कर रहे हो मुझे स्मरण रख के करो, और अगर भगवान का स्मरण रहेगा तो गलत कर्म नहीं हो सकता। जब गलत कर्म नहीं होगा तो माया का प्रभाव नहीं होगा, और जब माया का प्रभाव नहीं होगा तो आप सोचो जीवन कितना सुंदर होगा।